हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। इस साल ये दिन 9 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को धूम्रपान यानी स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और तंबाकू के सेवन से सेहत पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को पहली बार 1984 में मनाया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग ही जानलेवा है, बल्कि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की माने तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी पैसिव स्मोकिंग से हर साल 12 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। ट्राई करने से शुरू होकर आदत में बदली स्मोकिंग की लत को छुड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह और प्लानिंग के साथ इसे छोड़ना संभव है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप किसी सेंटर की मदद भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी सिगरेट की लत को छुड़ाना चाहते हैं, तो ये कुछ तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट से दूर रहें। बहुत से लोगों को शराब के साथ सिगरेट पीने की आदत होती है, तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में शराब से भी दूरी बनाना ही बेहतर है। निकोटिन थेरेपी का इस्तेमाल करें। स्मोकिंग की लत छुड़ाने के लिए बाजार में उपलब्ध निकोटिन च्यूइंगम और पैच का इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्मोकिंग की लत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्रेविंग हो तो ध्यान भटकाएं। किसी भी चीज की तलब कुछ समय तक के लिए ही होती है। स्मोकिंग की क्रेविंग होने पर अपना ध्यान कहीं और लगाएं। ध्यान भटकाने के लिए म्यूजिक, अपने फेवरेट गेम या क्रिएटिव काम में समय बिताएं। संगत बदलिए। कभी कभी किसी को सिगरेट पीता देख हमारे मन में भी सिगरेट पीने की तलब पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर आप सच में सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए इन लोगों से भी दूरी बना लीजिए।